करता प्राण हमारा जाए रे, मरता सूझी नाम हरि नु, मरता अच्छा लगता ना, ब्रह्मलोक अच्छा लगता ना, देव कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर क्या चाहिए? उद्धव जी ने पूछा, तो गोपी क्या मांगती है तू? तब गोपी ने बोला, स्वर्ग लोक के वैकुंठ लोक ब्रह्म रज में श्री कृष्ण रमे यानी खेले, उस रज की जरा सी ममता मिल जाए। जे रज मा श्री कृष्ण रम्या था ते रजनी ममता रे, कृष्णा कृष्णा करता उद्धव प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण बोलू और मेरे प्राण निकल जाए, ये सबसे अच्छी सबसे उच्च कोटि की वृत्ति है। पितावा भीष्म के मन में भी आया कि काश भगवान आए मुझे दर्शन दे, और वैसे भी भगवान तो पहले ही वादा कर चुके थे पितावा भीष्म से। आगे सारे पांडव भी आए थे, सबने प्रणाम किया, महाराज कैसे हो, बड़ा दुख हुआ, रोए, सब हुआ, उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव व्यास योग्यता, ये सारे धर्मों का उपदेश दिया, सबकी बारी खत्म। अब बारी आई द्वारिकाधीश की। प्रभु मुस्कुराते मुस्कुराते आगे आए, बड़े प्रसन्न हुए पितामह भीष्म, हाथ जोड़ करके
प्रणाम करते हुए भगवान को भगवान से कहते, हे प्रभु मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ चढ़ाना चाहता हूँ। हम कहीं भी प्रभु के मंदिर में जाए, कोई फूल ले जाएगा, कोई नारियल चढ़ाएगा, कोई चनोरी चढ़ाएगा, कोई प्रसाद चढ़ाएगा। अब मैं क्या चढ़ाऊँ, हाथ तो पड़े है बानों की सैया पर, मैं क्या दूँ? बड़ी अद्भुत चीज दी पितावा भीष्म। क्या पितावा भीष्म कहते हैं भगवान से, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नी स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम् प्रकृति मुपेयुषि यद्भवा ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी ना एक बेटी है जो मैंने उसके लिए बड़े वर ढूंढे, कोई अच्छा सा कोई लड़का मिल जाए, कोई छोरा मिल जाए जो इस छोरी का ब्याह करा दूं, पर महाराज कोई मिला ही नहीं। आज तो कोई बढ़िया लड़का ही नहीं मिला, कोई वर ही नहीं मिला इसके लिए। मैं चाहता हूँ प्रभु आप मेरी कन्या को शिकार करके उससे विवाह करें। अब जितने खड़े थे एक दूसरे का चेहरा फाड़ फाड़ के देखो, बोले महाराज की बेटी कहाँ से आ गई, ये तो बाल ब्रह्मचारी है, कन्या कहाँ से आई, कहाँ से आई, चर्चा फैल गई। पितावा भीष्म ने मुस्कुराते हुए प्रभु से कहा, भगवान ने कहा, अरे भैया अपनी बेटी का नाम तो बताओ, कौन सी बेटी है? बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, प्रभु मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, यही मेरी बेटी है जिसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि, मेरी मति के साथ आप ब्याह कर लो। अच्छा, अब ये पितामह भीष्म जैसा महान पुरुष ही कह सकता है कि मेरी बेटी से विवाह कर दो, हम जैसे तो बस हमारी मति का विवाह तो कब का इस माया से हो चुका है, ये कवारी नहीं है, कब की लग चुकी है, पैसे से बन गई, परिवार से बन गई, इसका विवाह हो चुका है। पितामह भीष्म जैसा महान आत्मा दिल ठोक के कह सकता, हाँ मेरी मति अभी तक स्वच्छ है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपको बेटी ब्याहनी थी तो महाभारत के युद्ध से पहले ब्याह लेते, कम से कम दामाद का रिश्ता तो रहता। आ गए थे माँ अर्जुन को मारने, मुश्किल से आपको रोकने के लिए रथ का पहिया उठा के लेके गया था, पहले नाता बना लेते तो शायद कुछ प्रेम बढ़ जाता। पितामह भीष्म बोले, अरे प्रभु क्या बताऊं, इन 18 दिनों में सच पूछो तो मैंने युद्ध नहीं लड़ा, मैं तो 18 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके गुणों को देखता रहा, और इन 18 दिन में मुझे पता चला कि आप मेरे दामाद बनने लायक हो, इसलिए आज कह रहा हूं। प्रभु ये दुनिया कहती होगी, अरे पितामह भीष्म ने पांडवों के साथ धोखा किया, कौरवों की सेना में चले गए, लेकिन इनको क्या पता प्रभु, इन दुनिया वालों को, मैं कौरवों की सेना में किस लिए गया था? अगर पांडवों के साथ रहता तो आपके रथ के नजदीक में रहता, प्रभु आप दिखाई ना देते, मैं कौरवों की तरफ था, आप मेरे विपरीत खड़े थे, तो प्रभु मैं आपको देख सकूं इसलिए मैं कौरव की तरफ गया। अब लोगों को जो कहना है कहने दो, मुझे तो आपके दर्शन करने, महाराज मेरी बेटी को आप स्वीकार करो। भगवान ने हंसते हुए कहा, भगवान भी थोड़े नटखट थोड़ी है, बोले प्रभु ये महाराज ये तो आपने अपनी तरफ से निर्णय कर लिया, अपनी छोरी को भी तो पूछो कि उसको मैं पसंद हूँ भी कि नहीं, उसको मैं पसंद ना हूँ और आप विवाह कर दो, ऐसे थोड़ी उसे पूछो। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु
एक कन्या को क्या चाहिए कि उसका वर सुंदर हो। आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कौन हो सकता है। प्रभु हंसते हुए कहते, अरे महाराज काय को मजाक उड़ा रहे हो, काला कलूटा सब मेरी मैया तुम होते नो गई के पतो ना करे कलूटा को ब्याह होगो भी के ना हो, वो छोरिया को पसंद करेगी भी ना करेगी। काले काले से यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ये शाम तेरी बंसी क्या पागल कर जाती, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती। ये तो काले हैं, अगर गोरे होते तो भैया बस आपसे ज्यादा सुंदर नहीं। एक कन्या का पिता क्या देखता कि अच्छा कुल खानदान हो। प्रभु आप तो जगत पिता हो, लक्ष्मी पति हो, परिवार क्या देखता है कि अच्छा पैसे वाला हो। आप तो सर्वगुण संपन्न है, रिश्तेदार नातेदार क्या देखते हैं कि भैया बारात में जाएंगे तो अच्छे से खिला पिला तो देगा, उनको तो खाने से मतलब। क्या गुण नहीं है प्रभु, गुणों के आप भंडार हो। इस पृथ्वी पर कितने धूली के कण हैं, कितने आकाश में तारे हैं, कितने सर के बाल हैं, इनको भले गिना जा सकता है, लेकिन भगवान में कितने गुण हैं ये कभी नहीं गिना जा सकता। इतने गुण, गुणों का भंडार प्रभु, अब तो आप बस स्वीकार कर लो। तब प्रभु ने उनकी मति को, बेटी को स्वीकार किया, विवाह हुआ पिता व भीष्म की कन्या के साथ। उसके बाद प्रभु वहां से चल पड़े, पिता व भीष्म ने अपने मन को परमात्मा में लगाया और प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर को त्याग दिया, पिता व भीष्म का उद्धार हुआ। इसके पश्चात श्री द्वारिकाधीश वापस द्वारिका आ गए, अर्जुन जी भी साथ में आए। इधर काल कर्म के अनुसार माँ उत्तरा के गर्भ से भगवान के परम भक्त श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी का नाम संस्कार, जन्म कुंडली बनाई गई, भविष्य बताया गया। इधर जब प्रभु द्वारिका गए तो अर्जुन जी भी साथ गए थे कि प्रभु को छोड़ के वापस आ जाओ, लेकिन आज महीने बीत गए अर्जुन जी वापस नहीं आए, बड़े परेशान। युधिष्ठिर जी बैठे बैठे सोच रहे हैं, न जाने क्या हो गया, अर्जुन आया क्यों नहीं, सोच ही रहे थे कि अर्जुन जी वापस आ गए। देखा बड़े उदास थे, चेहरे पर बड़ी उदासी थी। पूछा, अरे अर्जुन किस लिए दुखी हो, क्या बात हो गई। अर्जुन जी ने कहा, क्या बताऊं प्रभु महाराज, जिस कृष्ण के बगैर एक क्षण भी सदियों के बराबर लगता था, जिस कृष्ण ने हमें महाभारत के युद्ध में जीत दिलाई, जिस भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, जिस भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाया, आज वो भगवान कृष्ण हम सबको पृथ्वी पर अकेला छोड़ के गोलोक धाम चले गए। जैसे पांडवों ने ये बात सुनी, सारे पांडव घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते प्रभु को याद करते हुए जा रहे, प्रभु आपके बगैर कैसे जिएंगे, हे प्रभु भले ही आप चले जाएं, देह से दूर जा सकते हो लेकिन दिल से दूर नहीं जा सकते, हम तो सदियों से प्रभु आपके ही थे, आपके ही हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे
अपने दिल से गाइएगा। ये शब्द नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। आज 5 मिनट के लिए आप भूल जाओ आप कौन हो, आपका शरीर क्या है, आपका किसके साथ संबंध है, आप ये भूल जाओ। आज आपका जो परमात्मा से सदियों से संबंध था, जिसको कुछ क्षण के लिए हम भूल गए, उसको याद करते हुए दिल से आज भगवान को कहना, हम तुम्हारे साची प्रीत की रीत निभा।
छोड़ सुने नंद दुलारे कोई न मीत हमारो क्रिया से ही जीवन की पूरन